जादुई टूटता तारा। एक गांव में श्रुति अपनी माँ सुरेखा के साथ रहती थी। श्रुति के जन्म के बाद उसके पिता का निधन हो गया था। सुरेखा अपनी इकलौती बेटी श्रुति को बहुत प्यार करती थी और श्रुति को अपने पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन जब श्रुति अपने दोस्तों के पिता के बारे में सुनती तो वो बहुत उदास हो जाती। उस दिन वो अपने दोस्तों से कुछ बातें सुनकर आई। माँ, आपको पता है, कल राधा कह रही थी कि उसके पापा उसके लिए नए नए खिलौने लाए थे और उसे घुमाने के लिए ले गई थी। अगर मेरे पापा होते तो ये सब मेरे लिए करते ना माँ। बताओ ना माँ, मेरे पापा क्यों नहीं रहते हमारे साथ। बेटा, ये तुम क्यों सोचती हो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते। माना कि वो इस दुनिया में नहीं है, मगर एक बात याद रखना, वो हमेशा तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन कहाँ से वो मुझे देख रही है, मुझे तो कभी नहीं दिखते माँ। सुरेखा श्रुति की बात सुनकर दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचती है, हे भगवान, अब मैं इसे क्या बताऊं और कैसे समझाऊं। इतना सोचते सोचते सुरेखा की नजर खिड़की से बाहर सितारों पर पड़ती है। सितारों को देख सुरेखा श्रुति से बोलती है, श्रुति बेटा, चलो तुम मेरे साथ, बाहर मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ, शायद तुम उससे कुछ समझ पाओ। इतना कहकर सुरेखा श्रुति को हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। श्रुति, ऊपर देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। माँ, ऊपर खुला आसमान है और उस आसमान में ढेर सारे जगमगाते हुए सितारे भी दिख रहे हैं। हाँ बेटा, वो आसमान में जितने भी सितारे तुम देख रही हो, उन सितारों में से एक सितारा तुम्हारे पिताजी भी है। वो वहीं से हमेशा तुम्हें देखते हैं और तुम पर ध्यान रखते हैं। तुम क्या करती हो, कहाँ जाती हो, सारी बातों को समझते हैं वो। क्या आप सच कह रही हो माँ? हाँ बेटा, अब तुम हमेशा ये समझ लेना कि पिताजी तुम्हारे साथ ही है। वो तुमसे कभी दूर नहीं हो सकती और ना कभी तुमसे दूर थे। तब तो मैं इस तरह से अपने पिताजी से बात भी कर सकती हूँ माँ, पर क्या वो मेरी बातों का जवाब देंगे? हाँ बेटा, जरूर। वो जब जब जगमगाएंगे तब तुम समझ लेना कि वो तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। माँ, इसका मतलब ये है कि मैं जब जब अच्छे काम करूँगी तब तक वो बहुत खुश होंगे ना? हाँ बेटा, वो सबसे ज्यादा खुश होंगी। ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो मुझसे खुश है? श्रुति की ये बात सुनकर सुरेखा सोच में पड़ गई और अपने मन में बोलने लगी, अब मैं ये कैसे बताऊं? इस बात का क्या जवाब दूं मैं इसे? ये तो अभी बच्ची है, समझ नहीं पाएगी मेरी बात को। बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? जब तुम कभी टूटता हुआ सितारा देखो और जब वो जगमगाते हुए तुम्हारी तरफ आ रहा हो तो समझ लेना कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत खुश हैं। ठीक है माँ, अब मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। अब मैं बहुत अच्छी बनकर दिखाऊंगी। राधा श्रुति की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे। एक दिन साथ में दोनों स्कूल जा रहे थे तभी राधा श्रुति से कहती है, श्रुति, तुझे पता है कल मैंने क्या सुना? एक बहुत ही मजेदार बात है। अच्छा, फिर जल्दी से बताना, तूने क्या सुना? मैंने सुना कि अगर आप आसमान में देख रहे हो और कोई टूटता हुआ तारा आपको दिख जाए और उसी वक्त आप अगर उससे कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में राधा? हाँ सच में, मैंने तो सुना है, मगर तुम्हें मानना है तो मान लो और नहीं मानना तो मत मानो। तभी श्रुति अपने आप से बोलती है, मतलब मुझे बहुत अच्छे काम करने होंगे ताकि पापा मुझसे बहुत खुश हो जाए और उनकी खुशी मुझे टूटते सितारों की खुशी में दिखे और उस वक्त मैं पापा से जो चाहे वो मांग भी सकती हूँ और पापा मुझे दे देंगे। तभी राधा बोलती है, अरे श्रुति, तू क्या बड़बड़ा रही है? जो भी बोलना है जोर से बोलना, मैं यही हूँ। अरे नहीं नहीं राधा, कुछ भी नहीं। ठीक है तो चलो स्कूल चलते हैं, देरी हो रही है। अपने पापा को बहुत खुश करने के लिए श्रुति बहुत मेहनत करने लगती है और मन लगाकर खूब पढ़ती है, समय पर सारा काम भी खत्म करती है और इसी तरह कड़ी मेहनत के बाद वो क्लास में फर्स्ट आती है। अब तो शायद पापा मुझसे बहुत खुश होंगे, अभी जाकर आसमान में देखती हूँ। श्रुति हर रोज रात में आसमान देखा करती थी
और वो उस दिन बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अब उसे एक टूटता हुआ सितारा दिखेगा। जिस दिन मुझे टूटता हुआ सितारा दिख जाएगा उस दिन मैं समझ जाऊंगी कि पापा मुझसे बहुत खुश हैं। श्रुति धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वो स्कूल में हर कक्षा में फर्स्ट आती है। अब श्रुति का स्कूल खत्म हो चुका था, वो अब कॉलेज में आ गई थी। वहाँ भी वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। अभी भी श्रुति हर रोज आसमान की तरफ देखती थी और टूटे हुए सितारे का इंतजार करती थी। इतनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद अब श्रुति डॉक्टर बनने वाली थी। उसके फाइनल मार्कशीट आने वाली थी। क्या अभी भी पापा मुझसे बहुत खुश नहीं है? इतना कहकर श्रुति आसमान की तरफ देखती है और कहती है, पापा क्या आपको मुझ पर गर्व नहीं? क्या आप मुझसे खुश नहीं हो क्या? अगर आप मुझसे खुश हो तो आप अपनी खुशी क्यों नहीं दिखाते मुझे? तभी श्रुति को आसमान में एक टूटता हुआ सितारा दिखता है। उसे देखकर श्रुति उछल पड़ती है खुशी के मारे। पापा आखिर आप मुझसे बहुत खुश हो ही गए। श्रुति सितारे को देख ही रही थी और वह सितारा श्रुति की तरफ ही आ रहा था और वह श्रुति के पास आकर रुक जाता है और फिर उसमें से आवाज आती है, बेटा मैं तो तुमसे हमेशा ही खुश रहता हूँ। तुम्हें इस बात से कभी उदास होने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे नाराज हूँ या मुझे तुम्हारी किसी भी खुशी में खुशी नहीं मिल रही। तुम जो भी कर रही हो वो बहुत अच्छा कर रही हो। बोलो तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूँ? मैं बस आपसे ये चाहती हूँ कि मेरे पापा जहाँ भी रहे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं यहाँ माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हूँ और अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पापा भी वहाँ खुश रहे। जैसा तुम चाहो। इतना कहकर वो जादुई सितारा वहाँ से गायब हो जाता है। सितारे के गायब हो जाने के बाद श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अब और मेहनत करूँगी और अपने माँ बाबा का नाम रोशन करूँगी। श्रुति अब बहुत आगे बढ़ जाती है। वो अपना खूब नाम कमाती है। अब वो एक बहुत बड़ी मशहूर डॉक्टर बन गई थी। वो गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करती और खूब आशीर्वाद और नाम कमाती और अपने काम को बहुत ही लगन से पूरा करती थी। अब सभी उसका और उसकी माँ का बहुत सम्मान करते हैं और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, सूरजपुर गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। गांव के सभी लोग गांव में खेती बाड़ी, पशुपालन और भी अन्य तरीके का काम किया करते थे। उस गांव में बहुत गरीबी थी और वहां पर मीनाक्षी नाम की एक लड़की अपनी बहनों के साथ रहती थी। मीनाक्षी का परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए अपना घर चलाने के लिए पूरा परिवार खेतों में काम किया करता था। मीनाक्षी का परिवार बहुत गरीब था क्योंकि मीनाक्षी के गांव में खेती बाड़ी का काम होता था, तो सभी बहनें मिलकर खेतों में काम किया करती थी। पूरा दिन धूप में काम करने की वजह से उनका रंग काला हो गया था और वो सभी बहुत बदसूरत दिखने लगी थी। एक दिन अखबार में खबर छपती है कि गांव से बाहर एक शहर में ब्यूटी कंपटीशन का आयोजन होने जा रहा है। ब्यूटी कंपटीशन की बात सुनकर सभी बहनें बहुत खुश होती है। हम सभी को इस ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर हम में से कोई भी ये ब्यूटी कंपटीशन जीत जाता है तो हमें 5,00,000 इनाम में मिलेंगे और उन पैसों से हम कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं और हमें इस कड़ी धूप में काम करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हम सभी को इस ब्यूटी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना ही चाहिए। फिर खुशी से सभी बहनें ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन उस ब्यूटी कंपटीशन का आयोजन करने वाला विकास शर्मा बहुत ही घमंडी और बदतमीज आदमी था। मीनाक्षी और उसकी बहनों को देखकर वो मुंह बना लेता है और कहता है, अरे तुम सब यहाँ क्यों आई हो? सर हमने सुना है कि यहाँ पर ब्यूटी कॉम्पिटिशन होने वाला है, हम सभी यहाँ पर ब्यूटी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने आए हैं।
अरे जरा अपनी शक्ल तो देखो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर झाड़ू लगाने के काम पर भी ना रखूं, और तुम यहाँ ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने आई हो। चलो निकल जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से गंदी सी शक्ल लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। यह ब्यूटी कंपटीशन अमीरों और खूबसूरत लड़कियों के लिए है। तुम्हारे जैसी काली कलूटी और बदसूरत लड़कियों को इस फैशन कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं दे सकता। चलो अब जाओ यहाँ से। इस तरह विकास मीनाक्षी और उसकी बहनों की बहुत बेइज्जती करता है और उन्हें खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा देता है। वो सभी लड़कियां दुखी होकर अपने गांव की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक परी मिलती है। तुम सभी के साथ जो भी हुआ है मैं सब जानती हूं, और मैं यहां पर तुम सभी लड़कियों की मदद करने आई हूं। लेकिन आप हमारी मदद किस तरह कर सकती हैं? सर सही तो कह रहे थे, भला हम जैसी गांव की गवार और बदसूरत लड़कियों को फैशन कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, भला रंग से क्या फर्क पड़ता है? चलो मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद परी उन सभी लड़कियों को परीलोक ले जाती है। परीलोक पहुँचते ही वहाँ पर एक बगीचे में बड़ा सा मेकअप किट का घर था, जिसे देखकर सभी लड़कियाँ बहुत हैरान रह जाती है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये मेकअप किट का घर बहुत ही बड़ा है। ये कोई साधारण मेकअप किट का घर नहीं है, बल्कि ये एक जादुई मेकअप किट का घर है। तुम सभी लड़कियां एक एक करके इस घर के अंदर जाओ और फिर इस घर का जादू देखो। परी उस जादुई मेकअप किट के घर का दरवाजा खोल देती है और सभी लड़कियों को एक एक करके अंदर जाने को कहती है। सुनो मीनाक्षी, तुम पहले अंदर जाओ, ये मेकअप किट घर तुम्हें अपने जादू से बहुत सुंदर बना देगा। परी के इतना कहने के बाद मीनाक्षी उस घर के अंदर चली जाती है। मीनाक्षी के घर के अंदर जाते ही दो चमकती हुई परियां मीनाक्षी का मेकअप करने लगती है। देखते ही देखते मीनाक्षी बहुत सुंदर हो जाती है और मीनाक्षी बहुत ही गोरी और सुंदर बन जाती है। फिर मीनाक्षी मेकअप घर से बाहर आ जाती है। उसके बाद एक एक करके मीनाक्षी की सभी बहनें जादुई मेकअप किट के घर के अंदर जाती है और सभी बहनें बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बन जाती है। फिर वो परी उन सभी लड़कियों को लेकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट के हॉल में पहुंच जाती है। विकास जैसे ही उन सभी लड़कियों को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उन सभी को देखता ही रह जाता है। अरे ये सब कैसे हुआ, तुम सभी लड़कियां इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? आखिर इतनी जल्दी यह चमत्कार कैसे हो सकता है? ये सब एक परी ने हमें परीलोक ले जाकर अपने जादुई बड़े मेकअप किट के घर में भेजा था। हम सभी बहनें उस मेकअप के घर से बहुत सुंदर हो गई हैं और अब हम सभी बहनें बहुत खूबसूरत भी हैं। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और वो कहती है, सुनो अब तुम इन बहनों में से किसी को भी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते हो। मीनाक्षी तुम अपनी बहनों के साथ अंदर चलो। फिर मीनाक्षी अपनी बहनों को लेकर परी के पीछे पीछे अंदर जाने लगती है। इस तरह सभी बहनें ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है। क्योंकि मीनाक्षी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो ब्यूटी कंपटीशन की विजेता बन जाती है और उसे इनाम के पूरे 5,00,000 रुपए मिलते हैं। दूसरी तरफ विकास को उन लड़कियों को ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेता देख बहुत दुख होता है। मुझे भी परीलोक जाना होगा, उस जादुई मेकअप किट के घर से जादुई मेकअप किट का सामान चुराना होगा, उसके बाद मैं लड़कियों को खूबसूरत बनाकर लाखों रुपए कमा सकता हूँ। उसके बाद विकास परी का पीछा करते करते परीलोक तक पहुँच जाता है और परीलोक का रास्ता देख लेता है। अब विकास रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही विकास परीलोक जाता है और वहाँ से मेकअप किट के घर से सामान चुराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ चमचमाती हुई दो परियां बाहर निकलकर आती है और कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ इस मेकअप के सामान को चुराने आए हो, लेकिन हम दोनों के रहते तुम इस कार्य में कभी सफल नहीं हो सकते। हम तुम्हारे इस बुरे इरादे को कामयाब नहीं होने देंगे। चलो मिलकर इसकी पिटाई करते हैं, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी और दोबारा चोरी करने की कभी नहीं सोचेगा। फिर दोनों परियां विकास को जोरदार बिजली के झटके देने लगती है। अरे मर गया मैं तो। फिर वो दोनों परियां विकास को जेल में बंद कर देती है। मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी बुरा काम नहीं करूँगा, अब मुझे जाने दो। विकास को रोता देखकर
और अपने किए पर पछतावा देखकर परियां उसे छोड़ देती है। विकास वापस अपने घर चला जाता है। इस तरह विकास को उसके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो पूरी तरह से सुधर जाता है। दूसरी तरफ मीनाक्षी अपनी बहनों के साथ मिलकर गांव में एक फैक्ट्री लगा लेती है और उसमें सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद से उन सभी बहनों की अच्छी खासी कमाई होने लगती है और सबकी गरीबी दूर हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।